हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो ये हमारा ऑनलाइन बैच है क्लास 11th कम जेई का, और इसमें कल हमने स्टार्ट किया था बायनोमियल थ्योरम, बेसिक मैथमेटिकल टूल का बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। सभी से ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके इसको हमने देख लिया था। यदि इसको करने की बात की जाए, यहाँ पर बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा? 1 + 3x, ओके, फिर 3 × 3 − 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x का स्क्वायर, फिर 3 − 1 − 3 − 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन x का क्यूब। टोटल इतने में आकर के एक्सपेंशन फिनिश हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट टर्म हम पहुंच चुके हैं x की पावर 3 तक। क्लियर? ओके चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए, क्या है लॉगरिदम? क्या है लॉगरिदम? एक फंक्शन है, लॉगरिदम एक टूल है। हेडिंग डालिए लॉगरिदम फंक्शन। देखिए लॉगरिदम फंक्शन क्या कहता है, लॉगरिदम क्या कहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 10 को कितनी पावर से रेस करूं कि ये 1000 हो जाएगा, बताइए। मैं बिल्कुल सही, अगर मैं 10 को 3 पावर से रेस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो लॉग जो होता है यही काम करके देता है, लॉग ये आपको देता है। ओके अगर आपके पास में a टू दी पावर x इक्वल्स टू है m, ओके a टू दी पावर x इक्वल्स टू m है, तो लॉग जो होता है आपको x देने का काम करता है। कैसे? देखो समझो, आपके पास लिखा है लॉग ऑफ a बेस पर x इक्वल्स टू m, लॉग ऑफ a बेस पर x इक्वल्स टू m, तो व्हाट इज a? a इज कॉल्ड बेस। x को क्या बोलते हैं? हम इंडेक्स बोलते हैं, ओके okay? और ये होती इसकी वैल्यू। m क्या होती है? वैल्यू होती है, ठीक है ना, m होती है इसकी वैल्यू। अब इसको अच्छे से समझो, हमने कहा आपसे कि log बेस है 10 और बेस 10 पर 1000 हो रहा है, मतलब 10 को कितनी पावर से फोल्ड किया जाए कि 1000 बन जाए? बोलो आंसर कितना आएगा? 3। यस, तो लॉग का काम यही है। लॉग जो हुआ करता है वो ये बताता है कि बेस के रिस्पेक्ट में इंडेक्स को लाने के लिए कितनी पावर से फोल्ड करना पड़ेगा। ये अपना बेस है, ये इंडेक्स है, तो बेस के रिस्पेक्ट में इंडेक्स को कितनी पावर से फोल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ लॉग 2 to the power 32, सॉरी पावर नहीं बोलूँगा, लॉग 2 बेस पर 32, बोलो आंसर कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5, बिकॉज 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32। क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ, सो लॉग 2 to the power 5 इक्वल टू 32। तो लॉग से क्या होता है? लॉग ये बताता है कि गिवन बेस के रिस्पेक्ट में इंडेक्स को फाइंड करने के लिए उसको कितनी पावर से हमको रेज करना पड़ेगा। ओके यस बोलो। हाँ चलिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए लॉग की डेफिनेशन। इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, सो व्हाट इज x? दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू लॉग ऑफ x इक्वल टू a बेस पर m। समझो इस लाइन को, जैसे हमारे पास a है, ए को अगर हम एक्स पावर से रेस करेंगे तो एम आएगा, आएगा? अगर सपोज मैं 10 को 3 पावर से रेस कर रहा हूं तो मेरे पास 1000 आएगा, आएगा? तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 बेस पर 1000। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो क्या हो गया? ये 3 था, 3 मतलब क्या था? देखो मैच करो, a टू दी पावर x इक्वल टू m, इससे मैच करो, तो फिलहाल ये क्या है? x है।
सो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस टू दी पावर m, क्लियर? हाँ, तो थ्योरी जनरेट हो गई है. इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू m होता है, देन x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ m. तो x को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिदम ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू बेस a, बेस a. और इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू लॉग a बेस पर m. बोलो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया. हाँ बस, तो ये है लॉग. अब लॉग की प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सो बस इतना ही जानना आपको कि x इक्वल टू लॉग a बेस m, x इक्वल टू लॉग a बेस m आपको जानना है. अब लॉग की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करके लॉग के, फिर उससे प्रॉपर्टी हमको समझ में आ जाएगी. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखिए, लॉग ऑफ 2 टू द पावर 64, बोलो क्या होता है? सर, 6. बिल्कुल सही. लॉग ऑफ 2 टू द पावर 64 इक्वल टू 6. अब इसको ऐसे समझो, 2 टू द पावर 6 कितना रहा होगा? 64 रहा होगा, रहा होगा? तो अगर मैं लॉग करूं कि 2 की कितनी पावर करूं कि 64 मिल जाए, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 6. हाँ, तो समझ में आ गया कि पहले हम नॉर्मली अगर पावर 6 करते थे तो हमें 64 मिलता था, और लॉग क्या कहता है कि अगर हमारे पास लॉग में बेस 2 है और इंडेक्स 64 है, तो कितनी पावर करनी पड़ेगी, ये हमें 6 मिलती है. चलिए अगला सवाल. लॉग ऑफ 2 टू दी पावर 1, बोलो क्या होगा? सर, 1. गलत. 2 की कितनी पावर की जाए कि 1 मिल जाए? आंसर 0. यस, सो आंसर कितना? 0. लॉग ऑफ 3 बेस 1 इक्वल टू 0. लॉग ऑफ 5 बेस 1 इक्वल टू 0. लॉग ऑफ एनी बेस 1 इक्वल टू 0. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लिख लीजिए कॉपी में अपने, कि लॉग का बेस कुछ भी हो बट इंडेक्स अगर 1 हो तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 0. नोट कर लो. ठीक, यस सर. ओके, नेक्स्ट फ्यू मोर प्रॉपर्टीज. लॉग ऑफ ए बेस पर ए, वैल्यू बोलो. वेरी गुड. लॉग ऑफ 2 बेस पर 2 इक्वल्स टू 1. ओके, लॉग ऑफ नेचुरल बेस ई इंडेक्स ई इक्वल टू 1. लॉग का बेस जो है जनरली दिखाया नहीं जाता है, जनरली लॉग का बेस दिखाया नहीं जाता है. जैसे आपसे कभी कोई बोले लॉग 2, तो अगर बेस नहीं दिखाया गया है मतलब इसका बेस ई होगा. यस, बेस ई को बोलते हैं, बेस ई वाले लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम. यस, द लॉग विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम. या सो दिस इज लॉग 2. ओके, नाउ सी, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, देन लॉग 2 बेस 16 इक्वल टू 4, 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 27, देन लॉग 3 बेस 27 इक्वल टू हाउ मच? 3. लॉग ए बेस 1 इक्वल टू 0 एंड लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1. किसी का भी इंडेक्स 1 होगी 0 होगा, किसी का भी बेस और इंडेक्स सेम होंगे तो आंसर कितना आएगा? 1. यस, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिदम. अब हम कुछ लॉग की और प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए है और इंडेक्स में दो नंबर मल्टीप्लाई है m इनटू n, ये प्रॉपर्टी बनेगी. दिस इज इक्वल टू लॉग ए बेस m प्लस लॉग ऑफ ए बेस n. सेकेंड प्रॉपर्टी, लॉग बेस पे ए है, m डिवाइडेड बाई n, दिस इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बेस m माइनस लॉग ऑफ ए बेस पे n.
थर्ड प्रॉपर्टी log a बेस b इक्वल्स टू log a बेस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ log b बेस a, log a बेस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ log b बेस a. क्लियर? log a बेस b इक्वल्स टू वन मोर प्रॉपर्टी log a टू द पावर m, log a टू द पावर m ऐसा समझो कि पावर n, बेस a है और m पावर n लगी हुई है. आंसर n log a बेस पर m. ये बहुत काम की प्रॉपर्टी वाली वी एम पी. क्लियर? चलो देखते हैं इसको एग्जांपल में. log ऑफ 2 बेस पे 64. आंसर log ऑफ 2 बेस 64 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 6. नाउ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. ये देखो log बेस है m की पावर n, 6 बाहर आ जाएगा, 6 log 2 बेस 2. आंसर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 6. क्लियर? यस. नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व. log 10 बेस 0.0003. चलो ऋषि का सॉल्व करूं. log 10 wrong. Yes, see answer. This is 0. ये बेटा थोड़ा सा गलती मैंने क्वेश्चन में कर दी है, इसको 1 कर लो. अब सही क्वेश्चन. आंसर इज, नहीं बनेगा. माइनस थ्री या लॉग माइनस थ्री? सर लॉग माइनस थ्री. रॉन्ग. करेक्ट आंसर माइनस फोर. चलो देखो कैसे बनेगा ये माइनस फोर. देखो कैसे बनेगा बेटा. हियर यू हैव इन द इंडेक्स 0.0001, 0.0001. इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हो 1/10,000. यस और नो? ब्रेक करके 1/10,000 लिख सकते हैं ना. यस सर. एंड 10,000, 1/10,000 इक्वल टू 10^-4. सो इट विल बिकम log 10 एंड हेयर 10^-4. नाउ अप्लाई द रूल log a बेस m पावर n, n बाहर आ जाएगा. सो दिस माइनस फोर विल गेट आउटसाइड. सो माइनस फोर एंड log 10 बेस पर 10, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 1. सो आंसर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर इक्वल्स टू माइनस फोर. डन? ओके. चलिए आगे बढ़े. हाँ एक मिनट, ये प्रॉपर्टी बेटा लिख लो सबके सब. इस प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस बाकी सब होती हैं. ठीक है? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir, लिख लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. ये हो गया. ओके सो टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम, वी हैव द टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम. फर्स्ट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम,
जब बेटा आप बेस ई लेते हो, बेस ई, तो इस सिस्टम को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पर बेस ई है। और जब आप बेस 10 लेते हो, लॉग 10 बेस, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉगरिथम। क्लियर? हाँ, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड लॉगरिथम, ठीक है ना, कॉमन लॉगरिथम, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं अपन कॉमन लॉगरिथम। व्हेन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड लॉगरिथम है और उसको आपको कॉमन लॉगरिथम में बदलना है तो कैसे बदलते हैं? जैसे आपके पास, मान लीजिए कोई आपके पास में स्टैंडर्ड लॉगरिथम लिखा हुआ है, लॉग ई बेस पर कोई नंबर लिखा है एन, बताओ ये बेटा कौन सा लॉगरिथम है, स्टैंडर्ड है कि नेचुरल है? सर ये नेचुरल है। बिल्कुल सही, ये नेचुरल लॉगरिथम है। अब आपको अगर इसको स्टैंडर्ड लॉगरिथम बदलना है बेस 10 पे, तो उसका रूल होता है 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो 2.303 लॉग 10 बेस एन। क्लियर? हाँ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो, आपको एक वर्क डन दे रहा हूँ। वर्क डन इज इक्वल्स टू आर टी लॉग ई v2 अपॉन v1, आर टी लॉग बेस पे ई v2 अपॉन v1। हर्षिका ये बताइए, नेचुरल लॉगरिथम है कि कॉमन लॉगरिथम है? नेचुरल है। आपको इसको कॉमन लॉगरिथम में लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे? लॉग 10 बेस v2 बाई v1। क्लियर? v2 बाई v1, ठीक है। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे क्लास 11th का, ये आपके सिलेबस में आएगा, ये वर्क डन है। थर्मोडायनेमिक्स जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये आपके सिलेबस में आएगा, W इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 v2 बाई v1। और आपकी केमिस्ट्री में जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो लॉग बेस 10 को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? बेस 10 को। हाँ, तो आपके जो केमिकल काइनेटिक्स है वहाँ पे भी सब बेस 10 पे आएंगे। बेस ई रहेगा तो डोंट वरी, कुछ भी रहे बेस ई, आप उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना, वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। डन? ओके, ये देख लो, 2.303 आर टी लॉग 10 v2 बाई v1। चलिए, या एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम फॉर्मूले, इसको एक्सपेंड करना है। एफ इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम, ठीक है ना, इसको हमको एक्सपेंड करना है। चलो एक्सपेंड करो बेटा, एफ इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम, एफ इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम, एक्सपेंड इट यूजिंग लॉगरिथम फंक्शन। ओके, सो हाउ कैन वी एक्सपेंड इट, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2L, कैन वी राइट अंडर रूट टी अपॉन एम एज टी अपॉन एम टू द पावर 1/2? पक्का? नाउ टेक लॉग बोथ द साइड, लॉग एफ लॉग 1/2L इंटू टी अपॉन एम होल टू दी पावर 1/2। बोलो यस कि नो? ओके, अब मैंने आपको लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, लॉग ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है ना। मुझे ऋषिका ये बताओ कि यहाँ पर बेस क्या है? मैंने बेस लिखा नहीं है, अगर मैंने बेस नहीं लिखा है तो फिर भी डिफॉल्ट बेस क्या चलेगा? नो, ई बेस चलेगा। क्या चलेगा बेस? ई। क्लियर? ओके, ई बेस। बेटा कोशिश करो ईयरफोन लगा के पढ़ो, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो दो बार आवाज आ जाती है वीडियो पे।
ओके हाँ, ईयरफोन लगा के पढ़ो तो वीडियो अच्छा बनेगा। रेडी? हाँ, आप ठीक है? रिप्लाई बेटा। नहीं, एक एक मिनट, देखिए कैसे करते हैं बेटा। सो यहाँ पे लॉग ई बेस पे एफ है, हमने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको बेस नहीं दिया गया है तो डिफॉल्ट बेस क्या होगा? ई बेस होगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन होगा? लॉग ए, तो लॉग ऑफ 1/12। अब बेस ई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस लॉग ऑफ टी बाई एम होल टू द पावर 1/2। क्लियर? नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। लॉग ऑफ 1/12 प्लस लॉग ऑफ, देखो 1/2 पावर में है, आगे आ जाएगी 1/2 लॉग टी बाई एम। क्लियर? यस। नाउ इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला कौन सा, लॉग एम अपॉन एन वाला। दिस इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग ऑफ एन। सो लॉग 1 माइनस लॉग 2l प्लस 1/2 लॉग टी माइनस लॉग एम। क्लियर? लॉग 1 इक्वल टू 0। ओके, ये प्लस का साइन है, इसको आगे रख लो। 1/2 लॉग टी माइनस लॉग एम और माइनस लॉग ऑफ 2l। बोलो क्लियर है? बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या बेटा? इसको आगे सिंपलीफाई क्या होगा? ये बस एक लाइन ये हो जाएगी बस इसकी। 1/2 लॉग टी माइनस लॉग एम और माइनस, इसको इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी वाला। बस दैट्स इट। तो इतना छोड़ दो करके, अब इसके आगे नहीं करना। एक्सपेंड हो गया जितना होना था, ये देख लो। डन? मैच कर लिया आंसर? ओके चलिए। सो दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले देख लो, कंफर्टेबल हो, सब फॉर्मूले बनते हैं आपसे। आई होप किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि फिजिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एंगल। ओके, सो एंगल से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन of moving ray with respect to fixed ray. Okay, consider this is a fixed ray we have. Yeah, ये हमारे पास क्या है, fixed ray है, और इसके ऊपर एक moving ray rotate हो रही है। This point is called vertex. This is x, this is y. Okay, so the rotation amount of rotation, this amount of rotation is called as angle, and it is represented by the Greek letter theta. This amount of rotation is represented by the Greek letter theta.
इफ देयर आर टू मेनी एंगल्स लाइक फर्स्ट एंगल दिस वन सेकेंड एंगल दिस वन देन वी मे यूज डिफरेंट सिंबल वन इज कॉल्ड थीटा सेकेंड इज कॉल्ड फाई ओके सो द नेम ऑफ दिस सिंगल्स आर फर्स्ट इज थीटा सेकेंड वन इज कॉल्ड फाई ओके पी एच आई यस फाई ओके दिस इज कॉल्ड साई सो दीज आर द कॉमन सिंबल्स वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट एन एंगल नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सेंसेस ऑफ एंगल आइदर मूवेबल रे कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेन द मूवेबल रे मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंगल एंड वेन द मूवेबल रे इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके लाइक योर क्लॉक इज मूविंग देन एंगल इज टेकन एज नेगेटिव सो दिस इज कॉल्ड प्लस थीटा दिस इज कॉल्ड माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा सो इफ यू मेजर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड प्लस 30 डिग्री एंड वेन यू मेजर्ड एन एंगल 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड माइनस 30 डिग्री प्लस 30 माइनस 30 डन क्लियर ओके सो प्लस 30 माइनस 30 हो चुका है टू टाइप्स ऑफ एंगल सेंसेस हैं यहाँ पे आपके पास एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक है क्लॉकवाइज अब बात करते हैं एंगल मेजरमेंट सिस्टम एंगल मेजरमेंट सिस्टम देयर आर टू मेनली टू टाइप्स ऑफ सिस्टम टू मेजर एन एंगल फर्स्ट इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड सेकेंड इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या किया गया सेक्सागेसिमल सिस्टम में दिस इज कॉल्ड वन राइट एंगल एंड वन राइट एंगल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल 90 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कंसिडर्ड एज वन डिग्री सो वन राइट एंगल इज कंपोज ऑफ 90 डिग्री सो वन राइट एंगल इज सेट टू बी 90 डिग्री अंडरस्टूड दिस स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड वन डिग्री यस फर्दर दिस वन डिग्री इज डिवाइडेड इन इक्वल 60 पार्ट्स दिस वन डिग्री इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज डिनोटेड एज वन मिनट ईट पार्ट इज डिनोटेड एज वन मिनट सो वन डिग्री इक्वल टू हाउ मच मिनट्स 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट अब 60 मिनट को ये जो मिनट निकला है एक मिनट इस एक मिनट को भी 60 छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया ये जो वन मिनट आया है इसको भी 60 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन सेकेंड मीन्स वन मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स 60 सेकेंड्स राइट सो दिस इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट ओके मेनली क्या किया गया फर्स्ट है वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्रीज वन डिग्री
इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. दिस इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम. क्लियर? यस. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम एंगल, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम. ये मैंने आपको पढ़ा दिया. क्लियर है एकदम? नो. अब बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की. सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम में नाम सर्कल आ रहा, मतलब ये सर्कल से बना हुआ सिस्टम है. तो आइए देखते हैं सर्कुलर सिस्टम को कैसे पढ़ा जाता है. सो फर्स्ट टेक अ सर्कल. ये आपने एक सर्कल ले लिया है. ओके, ये आपके पास में एक सर्कल है. ये आपकी रेडियस है एंड पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक आप गए हो. तो आपके पास ए बी क्या कहलाता है? ए बी को बोलते हैं हम आर्क ए बी. यस, दिस इज कॉल्ड आर्क ए बी एंड आर्क ए बी इज डिनोटेड एज दिस. आर्क ए बी, ए बी आर्क, ये है. अब ए बी आर्क एक फिक्स एंगल बना रहा है सेंटर पे. उस एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एंगल इन सर्कुलर सिस्टम थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस. तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक ना, आर्क अपॉन रेडियस. फिर से बता देता हूं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ सपोज इट इज एल और एल बाई आर. बोलो क्लियर है? हाँ. अब आप इसकी यूनिट देखो. आप यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एल बाई आर, अगर आप इसकी यूनिट देखो थीटा इक्वल टू एल बाई आर से इसकी यूनिट देखो तो एल इज इन सेंटीमीटर और ऑल्सो इन सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी कोई यूनिट देखा जाए तो नहीं आ रही है. बट एज इट इज सो वाइडली यूज कंसेप्ट, सो वाइडली यूज क्वांटिटी, सो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हैज गिवन, इसको एक यूनिट दे रखी है थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाई आर और इसकी यूनिट होती है रेडियन. ओके, सो एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन. क्लियर? यूनिट कहाँ से आई बेटा? मैंने बताया कि एसआई सिस्टम ने खुद इसकी यूनिट प्रपोज की है. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, नहीं, डिग्री अलग सिस्टम है, रेडियन अलग सिस्टम है. डिग्री यूनिट इज इन सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड रेडियन, डिग्री रेडियन जो यूनिट है इन सर्कुलर सिस्टम. अभी मैं आपको दोनों में मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करके बताऊंगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे. बट जो फार्मूला लगने वाला है, कौन सा फार्मूला? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ओनली सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम ये केवल रेडियन सिस्टम में लगेगा, ये डिग्री सिस्टम में नहीं लगेगा. ये रेडियन सिस्टम का फॉर्मूला है. क्लियर? ओके. अभी रेडियन मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन रेडियन कितना होता है. अब आइए देखते हैं कि सर्कल का टोटल एंगल कितना मिलता है, सेंटर पे कितना एंगल बनता है. चलिए, क्वेश्चन है फाइंड एंगल. Subtended by
पेरीफेरी ऑफ अ सर्कल। ओके, आपके पास ये सर्कल कंप्लीट दिया गया है, आपको निकालना है कि सेंटर पर कंप्लीटली ये एंगल पेरीफेरी कितना एंगल बनाती है। आंसर 360 डिग्री। बेटा डिग्री सिस्टम में था, अब हमको ये चाहिए कितने रेडियन सिस्टम में। सो आर्क इज इक्वल टू, सॉरी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज आर्क हियर? 2 पाई आर, यस और नो? एंड रेडियस इज आर, आर से आर कैंसिल, बोलो आंसर कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन, यस। ये 2 पाई और रेडियन का सिंबल होता है ये स्मॉल वाला सी। पक्की बात? यस। सो 2 पाई रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल ऑन इट्स सेंटर, ऑन इट्स सेंटर। क्लियर? यस। ओके, सो ये हो गया आपके पास, ये टोटल एंगल पूरे पूरे राउंड का कितना हो गया? 2 पाई। हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीटली एंगल, वन कंप्लीट एंगल इक्वल टू 2 पाई, वन कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 2 पाई। तो मुझे बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री होगा सेंटर पे? पाई, बिल्कुल सही। ओके, सेमी सर्कल का एंगल होगा पाई। और अगर मैं बोलूं आपसे कि क्वार्टर सर्कल मेरे पास है, सो व्हाट इज द क्वार्टर सर्कल मेजरमेंट हियर? वेरी गुड, पाई बाय 2। सो राइट एंगल इज पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर? अब यहां से हम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। सो फर्स्ट वी नो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? एंड वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। दिस इज ऑफ सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड दिस इज ऑफ सर्कुलर सिस्टम। सो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये सर्कुलर सिस्टम का रेडियन डिग्री है और ये, सॉरी सर्कुलर बोल गया, ये सेक्सागेसिमल सिस्टम का राइट एंगल है और ये सर्कुलर सिस्टम का राइट एंगल है, बट दोनों तो राइट एंगल होंगे। नाउ सो 90 डिग्री इक्वल्स टू रेडियन में कितना होगा? पाई बाय 2 रेडियन, यस और नो? सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90 रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। बन गया फॉर्मूला? डिग्री टू रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, सो डिग्री टू रेडियन, व्हाट यू नीड टू डू, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यदि मैं आपसे बोलूँगा 45 डिग्रीज में कितने रेडियन होते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, 45 से 180 कैंसिल 4 टाइम्स, आंसर पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर? 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180, 63 जा 180, पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर? 120 डिग्री इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, 00 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर 2 पाई बाई 3 रेडियन। वेल डन। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू द रेडियन मेजरमेंट। ऑन द अदर हैंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। क्लियर? उल्टा कर दो, वेरी नाइस। सो वी हैव रेडियन मेजरमेंट
वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई टू रेडियन एंड इन डिग्रीज वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज बट बोथ आर इक्वल सो वन रेडियन इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई पाई बाई टू सो वन रेडियन इक्वल टू 90 इंटू टू अपॉन पाई इट विल बिकम 180 बाई पाई ओके सो वन रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज क्लियर सो इफ यू हैव एनी एंगल इन द रेडियन यू कैन कन्वर्ट इन टू द डिग्रीज लाइक आई हैव पाई बाई फोर रेडियन और मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है सो पाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई डिग्री का कन्वर्जन कैसे करेंगे 180 अपॉन पाई पाई से पाई कैंसिल फोर हाउ मेनी टाइम्स 45 टाइम्स सो पाई बाई फोर डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच 45 डिग्री क्लियर ओके सो मेक अ सिंपल ट्रिक डिग्री इंटू रेडियन वॉट टू डू मल्टीप्लाई बाई वन सॉरी पाई अपॉन 180 डिग्री टू रेडियन एंड अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई डन ओके यस सो दिस इज कंप्लीट कल का होमवर्क लिखो डिफाइन वन रेडियन व्हाट इज वन रेडियन ठीक है